हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल अमृता कुकिंग की रेसिपी पर आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ लबाबदार पनीर। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ाते थोड़ा तेल डालते। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे सूखी मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता। थोड़ी देर भून लेंगे। आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कटे हुए प्याज को डाल दें, अदरक लहसुन डालें, थोड़ी देर फ्राई कर लें। यहाँ पे काजू और चार मगज को भी डाल देंगे। कटे हुए दो बड़े साइज के टमाटर डाल दी हूँ। टमाटर को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 1 कप पानी डाल देंगे, नमक डालें और यहाँ पे डालूंगी धनिया पत्ते के नीचे हिस्से की डंठी। तो कवर ढककर 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में पीस लेंगे। 1 प्लेट में हल्दी पाउडर डालेंगे। सूखी लाल मिर्च ली हूँ इसलिए थोड़ी ही लाल मिर्च लूँगी। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर लेंगे। इसे साइड में रख देते। पनीर को ट्राइंगुलर शेप में रखी हूँ, आप स्क्वायर शेप में कर सकते हैं। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दे, थोड़ा तेल डाल दे, बारीक कटे हुए प्याज को डालें। गोल्डन कलर आने तक इसे भून लें। प्याज यहाँ पे ऑफ डाल दें क्योंकि हमने मसाले में भी प्याज डाल दी है। यहाँ पे तैयार किए हुए मसाले को डाल दें, मिक्स कर लें। थोड़ा पानी डाल देंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा। तेल में मसाले डालने से अच्छा कलर आया है। अभी बनाएंगे मसाले पेस्ट को डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर ले। मसाले को भूनेंगे थोड़ी देर इसलिए कवर ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दे। देखिए मसाले से तेल अलग हो गया है। अभी चीनी 1 चम्मच डाल देंगे तो हमारा पनीर खट्टा मीठा बनेगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दें, ग्रेटेड कर लेंगे थोड़ा पनीर को। इस पनीर को अच्छे से हल्के आटे से मिक्स कर लें। कटे हुए पनीर को भी डाल देंगे। पनीर को मसाले के साथ मिक्स कर ले। ऊपर से घर के बनाए हुए मलाई या क्रीम डाल दे, उसे भी मिक्स कर ले। कसूरी मेथी को तवा के ऊपर गर्म करके हाथों से क्रश करके डाल दे। कवर ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। हमारा बन गया लबाबदार पनीर। तो 1 प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से ग्रेटेड किए हुए पनीर को डाल दें। ऊपर क्रीम और धनिया पत्ता को गार्निश कर लें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जल्द।